नीतीश कुमार की घर वापसी के साथ ही बिहार में एनडीए की सरकार बन गई और इस बार एनडीए में कई सारे दल हैं। उपेंद्र कुशवाहा, उनके साथ साथ चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस की भी पार्टी है। इसके अलावा दो बड़ी बड़ी पार्टी बीजेपी और जेडीयू भी है। पिछली बार 17-17 सीटों का बंटवारा हो गया था। चिराग पासवान को 6 सीट मिले थे, लेकिन इस बार चिराग पासवान नीतीश कुमार से खफा भी नजर आए हैं। चिराग पासवान ने कहा है, मैं उनकी नीतियों के साथ नहीं हूं। चिराग पासवान ने ये भी कहा है कि नीतीश कुमार से मेरा कोई व्यक्तिगत रिश्ता खराब नहीं है, उनकी नीतियों के हमेशा से खिलाफ रहा हूं और आगे भी रहूंगा। वहीं जीतन राम मांझी का ऐसा कहना है कि व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने मुझे विधानसभा में बेइज्जत जरूर किया था, लेकिन कोई नीति मुझे अच्छी लगती है, नीतियों के साथ हूँ। ये तमाम बातें सामने आ रही है और अब जब लोकसभा चुनाव नजदीक है तो एनडीए को अपने सीटों का बंटवारा करना होगा। किस तरीके से एनडीए सीटों का बंटवारा करेगी, क्योंकि नीतीश कुमार से चिराग पासवान खफा तो जरूर है, लेकिन जीतन राम मांझी ने सरेंडर कर दिया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार की नीतियों के साथ मैं साथ रहूंगा। हमारे साथ आर्यन जुड़ेंगे और हमें बताएंगे कि आर्यन आगे सरकार कैसे चलेगी जब ऐसे इस वक्त चिराग पासवान का ऐसा बयान आ रहा है। तो देखिए, निश्चित तौर पर ये गठबंधन जब भी होते हैं इसमें कई समझौते होते हैं और समझौतों के तहत ही आगे जो सियासी सफर है वो चलता है। याद करा दे आपको कि 2020 में चिराग पासवान ने जेडीयू के खिलाफ मोर्चा खोला और जितनी सीटों पर उम्मीदवार जेडीयू ने उतारे उतनी ही सीटों पर चिराग ने भी उम्मीदवार उतार दिए थे। और हंस रहे देखिए, नीतीश कुमार की पार्टी 43 सीटों पर सिमट गई थी। अब जब एक बार फिर नीतीश कुमार घर वापसी किए हैं तो निश्चित तौर पर रंजिश तो रहेगी। और चिराग पासवान कल जेपी नड्डा के साथ नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे और वहां पर भी उन्होंने खुलकर कह दिया कि भाई मेरा विरोध नीतीश कुमार के नीतियों के साथ है और नीतीश कुमार से व्यक्तिगत मेरी कोई लड़ाई नहीं है। और यही राजनीति में होता है, जब बात नीतियों की होती है तो लोग व्यक्तिगत रिश्ते की दुहाई देते हैं और जब बात व्यक्तिगत रिश्तों की होती है तो फिर नीतियों को सामने रखा जाता है। निश्चित तौर पर एनडीए में अब जब नीतीश कुमार आए हैं तो सीटों को लेकर जो पेच है वो जरूर फंसेगा और यही पेच कहीं ना कहीं महागठबंधन में भी फंस रहा था। और उसी को ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार ने वापस से घर जो वापसी की वो सबके सामने है। आर्यन, एक सवाल ये भी है कि जीतन राम मांझी को जब विधानसभा में बेइज्जत किया था तो जीतन राम मांझी बड़े आहत हुए थे, वो दिल्ली तक गए थे, शिकायत दर्ज किए थे। उन्होंने कहा था कि मेरा ही नहीं बल्कि पूरे दलित समाज का अपमान है। और आज जब हमने बातचीत की तो आज वो कह रहे हैं कि व्यक्तिगत वो बदनामी थी या फिर वो बेइज्जती थी, हम उनके नीतियों पर भरोसा रखते हैं। देखिए, मैंने कहा ना, चिराग पासवान नीति का विरोध करते हैं, व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। जीतन राम मांझी नीतियों का कद्र करते हैं, उनसे जो व्यक्तिगत बातें नीतीश कुमार ने कही उसको व्यक्तिगत तौर पर ले रहे हैं, तो ये आने वाले समय में कैसे आगे चलेगा। चिराग पासवान अगर नीतीश कुमार की नीतियों को नहीं मानेंगे, 2019 की बात करें या फिर 20 की, जो नीति नीतीश कुमार ने निर्धारित की थी भारतीय जनता पार्टी उसी नीति के साथ चुनावी मैदान में थी। अब चिराग पासवान नीतीश कुमार के जब स्वागत समारोह में आते हैं तो निश्चित तौर पर कोई डील कोई बात भारतीय जनता पार्टी के साथ हुई होगी, क्योंकि वो खुद को नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते हैं। तो अब जब नीतीश कुमार की एंट्री हुई है तो निश्चित तौर पर सीटों का जो पेच है वो इसलिए भी फंसेगा क्योंकि पिछली दफे 17-17 से 6 सीट चिराग पासवान की जो पार्टी है उसको मिली और एक राज्यसभा सांसद जो थे वो दिवंगत नेता रामविलास पासवान हुए थे। तो निश्चित तौर पर, और अब उपेंद्र कुशवाहा की एंट्री है, उपेंद्र कुशवाहा भी चाहेंगे कि कम से कम 3 सीटें मिले, जीतन राम मांझी चाहेंगे कि 2 सीटें मिले। अब नीतीश कुमार की एंट्री हुई है तो नीतीश कुमार चाहेंगे कि जो मेरी सिटिंग सीटें हैं वो हम न छोड़े, भारतीय जनता पार्टी उसी मिजाज में होगी। तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार के एंट्री के बाद ये 3 जो दलें हैं उनके लिए समस्याएं बढ़ी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब नीतीश कुमार के बिना एनडीए अलायंस में थी तो उनके पास 17 सीटों का ऑप्शन था कि भाई इसी में एडजस्ट करना है, बीजेपी चाहती तो अपनी सीटों को भी बढ़ाती, लेकिन अब नीतीश कुमार आए हैं तो नीतीश कुमार के सियासत को अगर आप देखिए तो वो किसी भी गठबंधन में रहे खुद को अपर हैंड रखना चाहते हैं, अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहते हैं कि जो गठबंधन में वो हैं वो गठबंधन उनके हिसाब से चले। तो निश्चित तौर पर अब सवाल ये कि चिराग पासवान अगर व्यक्तिगत विरोध नहीं करते हैं, नीतियों का विरोध करते हैं, तो नीतीश कुमार की जब नीति आएगी इस एनडीए में तो फिर चिराग क्या करेंगे। बिल्कुल आर्यन,
लेकिन अगर चिराग पासवान की बात की जाए तो चिराग पासवान हमेशा से नीतीश कुमार के खिलाफ रहे, उनकी राजनीति हमेशा से नीतीश कुमार के खिलाफ रही है। इसका अंजाम ये भी देखा गया कि पिछले विधानसभा में चिराग पासवान को नहीं दी गई सीट और चिराग पासवान एनडीए से खुद को अलग कर लिए, लेकिन इस बार जब एनडीए में शामिल है तो लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव में भी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। देखिए निश्चित तौर पर फिलहाल जो बड़ा पड़ाव एनडीए गठबंधन या फिर महागठबंधन के अंदर है वो फिलहाल लोकसभा चुनाव को लेकर ही है और इसमें प्रदर्शन मायने रखेगा, किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती है और सीट के आधार पर किनका क्या स्ट्राइक रेट होता है जीत का, उससे ही तय किया जाए कि विधानसभा में कैसे दलों के बीच सीट का बंटवारा किया जाए। लेकिन लोकसभा चुनाव की बात करें तो चिराग पासवान फिलहाल जमुई से सांसद हैं और देखिए उनके चाचा पशुपति पारस जो है वो हाजीपुर से सांसद है, तो निश्चित तौर पर चिराग दावा हाजीपुर पर भी ठोक रहे हैं। और अब जब नीतीश कुमार एनडीए में आए हैं तो याद कीजिए कि जब चिराग की पार्टी टूटी थी और जिस तरीके का माहौल बना उसके बाद चिराग पासवान ने पूरा जो ठिकरा है वो नीतीश कुमार के ऊपर हो रहा था, और अब जब पशुपति कुमार पारस अकेले नजर आ रहे थे इस गठबंधन में तो वापस से नीतीश की एंट्री के बाद कहीं ना कहीं पारस के भी हाथ मजबूत हुए हैं, तो कहीं ना कहीं पैर भी पारस के लिए भी नीतीश कुमार करते नजर आएंगे। और अब कितनी सीटें चिराग पासवान को मिलती है ये भी देखना जो है दिलचस्प होगा। आर्यन की अगर चिराग पासवान विरोध भी करते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार हमेशा से जिस भी गठबंधन में रहे अपर हैंड रहे तो नीतीश कुमार की नीतियां तो आएगी, क्या आपको लगता है कि चिराग पासवान उसका खुलकर विरोध करेंगे? देखिए कल एक बयान चिराग पासवान का आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो विजन भाजपा रामविलास रखती है अगर उस विजन को नीतीश कुमार अपने मैनिफेस्टो में लाते हैं एनडीए अलायंस उस विजन पर अगर काम करेगा तो फिर हमें नीतीश कुमार से कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि हम नीतिगत लड़ाई लड़ रहे हैं और अगर नीतीश कुमार अपनी बदले और हमारे नीतियों को भी नीतीश कुमार लेकर चले और उस पर काम करे तो शायद ये दूरियां कम हो। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार कितना एक्सेप्ट करते हैं चिराग पासवान के नीतियों को, क्योंकि जो घाव चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को दिया है वो घाव अभी भी गहरे हैं और यही कारण है कि नीतीश कुमार कमजोर और बेबस नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल आर्यन, ऐसी भी स्थिति बन सकती है क्या पिछले विधानसभा चुनाव में जो देखा गया था एनडीए में चिराग पासवान को जगह नहीं मिली थी, उनको हटना पड़ गया था? देखिए टकराव तो रहेगा। देखिए इस बार अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो ये चुनाव कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ज्यादा अहम होता है, और अगर चिराग पासवान इस तरीके जो 2020 में उन्होंने किया अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में करते हैं तो बीजेपी भी इस चीज को समझेगी कि ये गलत मैसेज जाएगा और चिराग पासवान कहीं से भी नरेंद्र मोदी को नाराज नहीं करना चाहेंगे। और जो एक सीट है हाजीपुर की, जो एक सीट है जहां से सिटिंग कैंडिडेट है चिराग पासवान जमुई, इन दोनों सीटों पर अगर समझौता होता है तो चिराग के लिए कहीं ना कहीं कुर्बानी बीजेपी देना चाहेगी और कुर्बानियों के साथ ही ये गठबंधन चल सकता है। और अगर नीतियों पर बात की जाए तो चिराग की नीति अगर नीतीश कुमार मानते हैं तो ये गठबंधन बनेगा, और सीट पर क्या फैसला लेता है ये गठबंधन ये भी देखना होगा। लेकिन जब बात नरेंद्र मोदी की हो, बात नीतीश कुमार की हो, तो चिराग पासवान का कद थोड़ा छोटा है, लेकिन जो अब तक रिश्ते चिराग पासवान ने एनडीए में रहते निभाया, नरेंद्र मोदी से निभाया है, उस रिश्तों की अगर बात की जाए तो फिर चिराग पासवान को कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी भी चाहेंगे कि नीतीश कुमार को समझाकर एडजस्ट किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आर्यन, आर्यन हमारे साथ जुड़े थे और बताए कि जब एनडीए में इतनी सारी दल है तो इस टकराव के बीच एनडीए अपना सामंजस्य कैसे बैठाएगी और लोकसभा चुनाव में कैसे सीटों का बंटवारा करेगी और क्या प्रदर्शन रहेगा। तमाम खबरों के साथ हम आपको ऐसे ही रूबरू कराते रहेंगे, देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो,
क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।